कहानी बिलासपुर की एक पिछड़े गांव की है। बिलासपुर के अधिकतर लोग अनपढ़ थे, लेकिन बिलासपुर में एक पढ़ा लिखा नौजवान लखन था। लखन गांव वालों की सरकारी काम में मदद करता था। लखन बेटा, ये फॉर्म भर दो। लाइए काका। गांव वाले अक्सर लखन की तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, इस गांव में एक कंपनी वाले आए। उन्होंने एक खुली जगह की कुछ जांच की और फिर सरपंच से बातचीत की। सरपंच उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। अगले दिन सरपंच ने गांव वालों की एक सभा बुलाई। हमारे गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है, जिससे हमें रोजगार और गांव के बाहर बंजर जमीन के मालिकों को बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे। जिन लोगों को इस कंपनी से कोई आपत्ति नहीं, वो यहां आकर इन कागजातों पर साइन या अंगूठा लगा दीजिए। एक एक करके सारे गांव वाले उन कागजातों पर साइन करने लगे। कुछ देर बाद लखन आया। लखन ने वो कागजात लिए और उन्हें अच्छे से पढ़ने लगा। रुकिए, कोई इस पर साइन मत कीजिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक केमिकल फैक्ट्री है। लेकिन इससे लोगों का भला होगा, रोजगार मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन इससे पर्यावरण दूषित हो जाएगा। वो तो थोड़ा बहुत होता ही है लखन, लेकिन तुम इससे होने वाले अच्छे परिणामों को देखो। लखन लाख समझाता रहा, लेकिन ना सरपंच ना गांव वाले उसकी बात मानने को कोई राजी नहीं था। उन्हें सिर्फ कंपनी से मिलने वाले पैसे दिख रहे थे। लखन बिना साइन किए वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद लखन के घर एक पत्र आया। माँ, मेरा शहर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अरे वाह! लखन की माँ ने उसे मिठाई खिलाई और फिर एक हफ्ते बाद लखन शहर के लिए बस पकड़कर चला गया। यहाँ गांव में फैक्ट्री का काम जोरों शोरों से चल रहा था। 2 महीने बाद फैक्ट्री बन गई और कंपनी ने उसका उद्घाटन किया। गांव वालों को केमिकल फैक्ट्री में काम मिलने लगा। शुरू शुरू में सारा गांव खुश था। लेकिन सिर्फ 15 दिनों में हाय मेरे बाल, माँ ये देखो मैं गंजा हो रहा हूँ। गांव के अधिकतर लोगों के बाल गिरने लगे थे। औरतें ये देखकर बहुत दुखी थीं। सारे लोग सरपंच के पास गए। ये कौन सा हिस्सा है जिससे बाल गिर रहे हैं? मेरे तो एक भी नहीं बचे। मुझे लगता है किसी ने हमारे गांव पर जादू टोना किया है, वरना इस तरह और कोई गंजा कैसे होगा। दादी माँ, अब तुम ही बताओ इसका उपाय क्या है। हमें पूजा अर्चना करनी होगी, भगवान से मदद मांगनी होगी। ठीक है, अगले हफ्ते ही पूजा करते हैं। गांव में पूजा की तैयारियां शुरू हो गईं। गांव वाले मंडप बांधने लगे। लकड़हारे पूजा के लिए लकड़ियां काटने लगे और औरतें फूलों की मालाएं बनाने लगी। आखिर पूजा का दिन आ गया। सारे गांव वाले पूजा के स्थान की ओर जा रहे थे और तभी लखन बस से उतरा। उसका ध्यान आसपास के लोगों पर गया। बिरजू, तूने मुंडन क्यों करवाया? गगन, तूने भी? गगन और बिरजू ने उसे गांव की समस्या बताई। लखन पूजा के स्थान पर पहुंचा। अच्छा हुआ लखन बेटा, तू भी आ गया। ये देख सबका क्या हाल है, सारा गांव गंजा हो गया है। लेकिन तेरे बाल,
वो कैसे ठीक हैं? क्योंकि मैं गांव में नहीं था। ये सब जादू टोने की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि उस केमिकल फैक्ट्री की वजह से। अभी तो सिर्फ लोगों के बाल गिर रहे हैं। अगर ये फैक्ट्री बंद नहीं हुई तो लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और सभी गांव वाले बहुत बीमार पड़ जाएंगे। ये प्रदूषण का असर है। लखन बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस फैक्ट्री से पहले मेरे बाल घने थे और अब देखो। इससे तो हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। उस फैक्ट्री को बंद करना ही पड़ेगा। सारे गांव वाले फैक्ट्री को बंद कराने के लिए तैयार हो गए। गांव वालों की टोली फैक्ट्री की ओर बढ़ने लगी। गांव वालों ने शहरी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाला और फैक्ट्री को तोड़ने लगे। देखते ही देखते फैक्ट्री का नामो निशान नहीं रहा। अब तक जो इस फैक्ट्री ने नुकसान किया है वो सिर्फ ये प्रकृति ही बदल सकती है। हमें पेड़ लगाने होंगे। गांव वालों ने पेड़ लगाने का अभियान शुरू कर दिया और सिर्फ एक ही वर्ष में गांव वालों के बाल वापस आ गए। अब वो गांव गंजा गांव नहीं था। जग्गू एक मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था, लेकिन वो बहुत गरीब था। वो एक झोपड़े में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। घर में राशन खत्म हो गया है, कल खाना कैसे बनेगा? उनकी लालची पड़ोसन अक्सर उनकी गरीबी का मजाक बनाती थी। ये कैसा रूखा सूखा खाना है, ये तो मेरी गैया भी ना खाए। पड़ोसन की कड़वी बातों से उनका बहुत दिल दुखता था। मैं जंगल से लकड़ियां काट कर लाता हूँ, उन्हें बाजार में बेचकर राशन खरीदने के पैसे आ जाएंगे। जग्गू जंगल गया और एक एक कर लकड़ियां काटने लगा। वो एक बड़े पेड़ की टहनी को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मुझे मत काटो। ये किसकी आवाज आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ तुम्हारे सामने खड़ा पेड़। पेड़ को बोलता देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। जग्गू पेड़ से बोला कि अगर वो उसे नहीं काटेगा तो बाजार में क्या बेचेगा? उसके पास राशन खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूँगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। पेड़ के ऐसा कहते ही जादू से वहाँ बहुत सारा अनाज, दाल, चावल आ गया। ये देख जग्गू बहुत खुश हुआ। धन्यवाद जादुई पेड़, तुमने मेरी जरूरत पूरी कर दी। महीने भर का राशन देख गौरी भी बहुत खुश हो गई। अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तभी पड़ोसन वहाँ आ गई। वहाँ रखा सामान देख इतना सारा राशन इन गरीबों के पास। पड़ोसन ने गौरी को उसके बेटे के जन्मदिन की दावत का न्योता दिया। शाम को दावत में कोई फटी पुरानी साड़ी पहनकर मत आ जाना। गौरी के पास तो एक भी अच्छी साड़ी नहीं थी। वो दुखी होकर रोने लगी। मत रो गौरी। चिंता में डूबा जग्गू नई साड़ी का इंतजाम कहां से करे, ये सोचता हुआ जंगल पहुंच गया। जादुई पेड़ ने उससे पूछा
कि वो उदास क्यों है। मेरी पत्नी के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, मैं उसे साड़ी कहाँ से ला कर दूँ। बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जादुई पेड़ के ऐसा कहते ही वहाँ एक नई साड़ी आ गई। जग्गू साड़ी देख बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ का शुक्रिया किया और साड़ी लेकर घर चला गया। नई साड़ी देख गौरी बहुत खुश हुई। वही साड़ी पहनकर वो जग्गू के साथ पड़ोसी के घर दावत में भी गई। गौरी को सुंदर साड़ी पहने देख दावत में मौजूद सभी मेहमानों ने गौरी की बहुत तारीफ की। इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। गौरी की तारीफ सुनकर पड़ोसन को जलन होने लगी। मैंने तो सोचा था सबके सामने इसकी गरीबी का मजाक बनाऊंगी, लेकिन ये सब तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। जलन के वश पड़ोसन ने अपने सोने के कंगन छुपा दिए और गौरी पर कंगन चुराने का इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती करने लगी। देखो देखो, इस गौरी ने मेरे कंगन चुरा लिए। जग्गू भी गौरी की बेइज्जती से बहुत दुखी हुआ। इतने महंगे कंगन हम कैसे लौटाएंगे? उदास जग्गू ने जंगल जाकर उस जादुई पेड़ को पूरी घटना सुनाई और रोने लगा। मैं वो महंगा कंगन कहाँ से लाऊं? पेड़ मुस्कुराया और फिर से बोला, बस इतनी सी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और वहाँ सोने के दो खूबसूरत कंगन आ गए, जिसे देख जग्गू खुशी से झूम उठा। एक बार फिर उसने जादुई पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद कहा और कंगन लेकर चला गया। जग्गू और गौरी ने वो कंगन पड़ोसन को लौटा दिए। हमसे गलती हो गई, ये लो तुम्हारे कंगन। कंगन देख पड़ोसन को बहुत आश्चर्य हुआ। मेरे कंगन तो मैंने छुपा दिए थे, तो फिर इन गरीबों के पास ये कंगन कहाँ से आए? कुछ तो राज है, मुझे जानना होगा। गौरी ने जग्गू से पूछा कि वो इतने महंगे कंगन कहाँ से लाया। जंगल में एक जादुई पेड़ है, उसी ने मुझे ये कंगन दिए। वो साड़ी और राशन भी उसी पेड़ ने दिया था। जग्गू की बात सुनकर पड़ोसन दंग रह गई। अच्छा, तो ये राज है। तब तो मैं भी उस जादुई पेड़ से सोने चांदी हीरे जवाहरात मांग कर बहुत बहुत अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन पड़ोसन जग्गू का पीछा करते हुए उस जादुई पेड़ तक पहुंच गई। वहां उसने सच में जग्गू को उस पेड़ से बात करते देखा। फिर जग्गू के जाते ही वो पेड़ के पास गई। जादुई पेड़, चल जल्दी से मुझे एक नौ लखा हार दे दे। पड़ोसन के मांगने पर वहाँ एक चमचमाता नौ लखा हार आ गया। पड़ोसन खुशी के मारे पागल हो गई। लेकिन जैसे ही उसने वो हार गले में डाला, वो हार सांप बन गया। पड़ोसन डर कर चीखने लगी। उसने सांप उठाकर फेंक दिया और जादुई पेड़ से पूछा कि उसे सांप क्यों मिला, जबकि जग्गू को उसकी मन पसंद वस्तु मिली।
जादुई पेड़ ने बोला कि जग्गू ने उससे मजबूरी के कारण वो चीज मांगी जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन पड़ोसन ने लालच में आकर हार मांगा। उसे उसके लालच के फल में सांप मिला। ये सुनकर पड़ोसन बहुत गुस्सा हुई। मैं तुझे जला दूंगी। पड़ोसन ने जलती हुई मशाल लेकर जादुई पेड़ को जलाने की कोशिश की। पेड़ तो नहीं जला, उल्टा पड़ोसन के पल्लू में ही आग पकड़ ली और वो खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले को अपनी जरूरत की हर वस्तु मिल जाती है, लेकिन लालच करने वालों को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। और ज्यादा लालच करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर लेता है, जैसे पड़ोसन ने कर लिया।